अदर इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट स्ट्रेंथ होती है नॉर्मली 80-100 तक भी जाता है एक क्लासरूम में, बट यहाँ पे हमें सिर्फ 20 या 30 बच्चे थे हम, सो हमें पर्सनल अटैच मिला, तो वहाँ पे हम मतलब लाइक हम सफिशियंट थे उस कंटेंट के साथ जो हमें मिल रहा था, और टीचर्स काफ़ी अच्छे सपोर्टिव हैं, दे आर वेरी मोटिवेटिव ऑल्सो, सो आई वाज सैटिस्फाइड विद इट. बुक की स्टार्टिंग अगर बात करूँ तो आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए बुक में, वो इम्पोर्टेंट है. उसके बाद उससे रिलेटेड आपको कितनी अच्छी से न्यूमेरिकल्स उसमें मिलते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो आपको टीचर्स बता ही देते हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन ही आपको बुक से रेफर करना होता है. सो इट इज़ बेटर कि आप न्यूमेरिकल आई मीन उस वे से जाए ना कि थ्योरेटिकल पोर्शन से, बिकॉज थ्योरेटिकल आपको हर क्लास नोट्स में तो मिल ही जाए. प्रेशर सबको ही होता है, सो ऐसा नहीं स्टार्टिंग में प्रेशर आएगा, बट धीरे धीरे जब आपका प्रैक्टिस लेवल अच्छा होते जाएगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस जितना अच्छा होगा तो उतना ही आपको लगेगा कि नहीं हमारा हो जाएगा. सो बेटा उसको इतना प्रेशर आई मीन लेना नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं प्रेशर लेने की. बुक की एग्जाम अगर आपकी इंस्टीट्यूशंस में होती हो तो हाँ जाहिर सी बात है स्ट्रेस आ जाता है, बट इतना फोकस ना करें उस स्ट्रेस पे, जस्ट प्रैक्टिस करते रहो. आपको मेन आपका जो फोकस है वो मेन एग्जाम है, तो आपको वहाँ पे अच्छा करना है. यहाँ पे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है तो उस पर बस ध्यान दीजिएगा अच्छे से, और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो वो देखिएगा, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मेन एग्जाम पे किस तरह परफॉर्म करते हो, सो इट मैटर्स अलॉट. पर्ल एजुकेशन एक्चुअली मोटिवेट ज़्यादा करता है, लाइक इनफैक्ट वो डाउट सॉल्विंग नो डाउट कि वो बहुत अच्छे से होता है, बट आपको बस अपना जो फोकस है वो आप हिलने मत दीजिए, बाकी सब आपको टीचर्स आपको बताते रहेंगे. टीचर्स आर वेरी मोटिवेटिव, सो दे विल केयर दैट वॉट यू आर स्टडिंग, वॉट यू आर प्रिपेयरिंग एंड सो ऑन. सो यहाँ की जो फैकल्टी है यहाँ पे जितने भी सर है तो ये NIT NIIT से पास आउट है, सो नो डाउट हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उन्हें पता है, उन्हें एक्सपीरियंस है कि पढ़ाया कैसे जाना चाहिए एंड इनफैक्ट एग्जाम कैसे क्रैक होनी चाहिए, सो हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं. एज सच दे हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस.